मॉडल मतदान केंद्र भी बनाया गया है। मॉडल मतदान केंद्र से लोगों को यह बताने की कोशिश की गई है कि मतदान की प्रक्रिया क्या होती है। जो व्यक्ति जो पहली बार मतदान कर रहे हैं या जिसको जानकारी नहीं है कि मतदान की प्रक्रिया क्या होती है, वो यहाँ मतदान केंद्र पे आ सकते हैं और सारी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। तो चलिए हम भी कोशिश करते हैं कि मतदान की प्रक्रिया क्या होती है, हम भी जाने और हमारे जरिए आपको भी पता हो। तो एक सबसे पहले मतदाता को अपने बूथ पे जाना होगा। बूथ में जाने पर उनको शुरुआत में बूथ के सामने ही एक पोटवार जो है सरकारी पोटवार होता है वो मिलेगा। वो जाने पर वो अंदर जाने से पहले जो हम सारी प्रकार की चेकिंग वो हमसे करेगा कि हमारे साथ किसी प्रकार की कोई चीज़ें तो नहीं है जो प्रतिबंधित चीज़ें हों। उसके बाद जो वो अपने तरफ से पुष्टि हो जाने के बाद वो हम जाएंगे मतदान केंद्र पर। मतदान केंद्र पर सबसे पहले जो है हमको अधिकारी मिलेगा, वो मतदान अधिकारी क्रमांक एक मिलेगा। उसको हमको अपनी पर्ची जो मतदाता पर्ची है उसको दिखाना पड़ेगा। वो जो है मतदाता पर्ची को वेरिफिकेशन करेगा, वो जानने की कोशिश करेगा कि जो है मेरा मतदाता सूची में नाम है कि नहीं। आपका नाम है इसमें 309 सतीश कुमार। तो वो मेरा नाम अगर मतदाता सूची में है तो वो उसकी पुष्टि करेगा, साथ ही टिक करेगा। और हमने जो है मतदान केंद्र में कौन सा पहचान पत्र लेके आया हुआ था कि उस पर वो टिक करेगा। उसके बाद वो पुष्टि करने के बाद हम जो है मतदान अधिकारी क्रमांक दो पर जाएंगे अपनी पर्ची को लेकर। तो मतदान अधिकारी दो जो है मेरी पर्ची को देखेगा और देखे लेने के बाद जो है वो मुझसे हस्ताक्षर भी कराएगा। ये देखिए हमने ये हस्ताक्षर यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद वो एक पर्ची जारी करेगा और उसके बाद लेफ्ट हैंड के तर्जनी पर वो जो है एक अमित शाही भी लगाएगा। उसके बाद अगली प्रक्रिया जो होती है, हम आएंगे अभिकर्ता के पास। मतदान कक्ष में मतदान अभिकर्ता भी जो है वहाँ मौजूद रहेंगे, जो वो पुष्टि करेगा कि वो मुझे जानता है और मेरा नाम जो है मतदाता क्रमांक में शामिल है। पुष्टि होने के बाद वो मुझे अगले मतदान अधिकारी के पास भेजेगा, जो एक पर्ची लेके मैं जाऊँगा मतदान अधिकारी क्रमांक तीन। मतदान अधिकारी क्रमांक तीन का काम ये होता है कि मेरा जो मतदान का जो पत्र है उससे वो पुष्टि करता है। पुष्टि करने के बाद आवश्यक कार्रवाई करने के बाद वो बैलेट जारी करता है। बैलेट जारी करने के बाद मुझे वो जो मतदान कक्ष में जहाँ गोपनीय रूप से मुझे मतदान करना है वहाँ जाने की अनुमति देता है। इस प्रकार से मैं अब आ गया हूँ मतदान कक्ष में, जहाँ पे जो ईवीएम मशीन जो है यहाँ रखी हुई है। ईवीएम मशीन में जो है सारे जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, उनके नाम और उनके सिम्बॉल भी यहाँ पे देखा जा सकता है। और मुझे चूज करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा कि मैं किसको जो है वोट देना चाहता हूं। और इस प्रकार से अब मैं अपना मत भी दे सकता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं ईवीएम मशीन में जो है सारे प्रत्याशी के नाम और उनके सिम्बॉल मौजूद हैं। अब इस तरह से मैं कोई भी अपना प्रत्याशी जो है चयन करता हूं और उसको अपना बटन, उसके सामने वाले बटन को दबा देता हूँ। बटन दबाने के बाद जो है एक मशीन यहाँ पे रखी गई है जिससे मैं ये पुष्टि कर सकता हूँ कि जिस कैंडिडेट को मैंने वोट दिया है उसका वोट उसको मिला है कि नहीं। वो देखने के बाद एक बीप की आवाज़ यहाँ पे आती है, उससे ये बताता है, बीप की आवाज़ ये बताता है कि आपका मतदान हो गया है, आपका मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इस तरह से जो पूरी प्रक्रिया ये होती है कि मतदान कैसा होता है, मतदान करने के बाद जो है हम कक्ष से बाहर चले जाते हैं, उसके बाद दूसरी मतदाता का बारी आती है। मतदान करने के लिए जो है मतदाता दूसरा मतदाता यहाँ पर आता है और जो है यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। इस तरह से जो है पूरा मतदान की प्रक्रिया इस तरह से जो है संपादित होती है। तो आपसे भी जो है गुजारिश अपन करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ये प्रक्रिया जो है सारी प्रक्रिया किस प्रकार की होती है इसको जाने और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करें और मतदान करने अपने बूथ पे पहुंचे और लोकतंत्र, एक बेहतर लोकतंत्र मजबूत करने में अपनी सहभागिता निभाएं।